नमामि गंगे अभियान की हुई शुरुआत, किया गया वृक्षारोपण। 16 जून तक होंगे विविध कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश शासन द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विशेष नमामि गंगे अभियान संचालित किया जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी अभियान 5 जून से शुरू होकर 16 जून तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में नगर के रानी अवंतीबाई लोधी मंगल भवन में कार्यक्रम करते हुए अभियान की शुरुआत की गई, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने वक्तव्य रखने के उपरांत विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय मुक्ति धाम में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित 5 महिला पार्षदगण तथा नगर परिषद CMO गीता बाल्मीकि सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी तथा नगरवासी मौजूद रहे। तो वहीं शासन के आदेश अनुसार जारी हुए अभियान अंतर्गत कार्यक्रम में 15 पार्षदों वाली नगर परिषद लखनादौन की करीब 10 पार्षद कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं नगर में व्याप्त रहीं। तो वहीं नगर परिषद CMO गीता बाल्मीकि ने आने वाले 16 जून तक हो रहे अनेकों कार्यक्रम में सभी वार्ड पार्षदों एवं नगर वासियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर सफल बनाने की अपील की है। शासन के द्वारा भेजे गए, बताए गए और यहाँ नगर परिषद में पहुँचाए हुए सारे पूरे मध्य प्रदेश में ये पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जा रहा है। उसी को लेकर आज लखनादौन में भी मनाया गया है, जिसमें बावली कुआं तालाब और हमारे रोटा झील को लेकर साफ सफाई अभियान चल रहा है और सभी बावली वगैरह की साफ सफाई में हो रही है। शमशान घाट पर वृक्षारोपण किए और 16 तारीख तक विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिसमें नई नगर वासियों और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि नगर के सभी नगर वासियों से भी अपील है कि वो इस कार्यक्रम में आके अपना सफल कार्यक्रम बनाए। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज से नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है और सरकार द्वारा विभिन्न आदेश दिए गए हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम योजना के तहत कुआं बावली तालाब की साफ सफाई की जाए, मंदिरों की पुताई की जाए, नगरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। तो इसके तहत 5 जून से 16 जून तक यह कार्यक्रम रहेगा और इसमें मैं सभी नगर वासियों से, परिषद से और सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास करें। ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जाने वाला नमामि गंगे अभियान है। यह दिनांक 5 जून 2024 से दिनांक 16 2024 तक चलेगा। इसमें शासन के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वृक्षारोपण, तालाब बावड़ी कुआं आदि की साफ सफाई, सांस्कृतिक प्रोग्राम और जल संरक्षण से संबंधित अपना जो भी नगर में झील तालाब है उनके मंदिरों की सफाई, कलश यात्रा आदि इसमें रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और शासन के निर्देश अनुसार यह किया जाना है। मैं उनसे यही अपील करूंगी कि यह मध्य प्रदेश शासन और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, तो सभी इसमें सम्मिलित हों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित रखने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है जल संरक्षण एवं पौधारोपण, उसमें सभी निकाय मिलकर इसमें सहयोग करें, ऐसी मेरी जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों से अपील है।